कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसका आंसर गलत छपा हुआ है, ठीक है, तो ये इग्नोर करिएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर यहाँ छपा हुआ। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। पढ़िए आराम से क्वेश्चन पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू की लेंथ कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, आईपीस का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, सो यू इज गिवन टू अस, राइट द डेटा, 0.5 सेंटीमीटर, एफ ओ इज गिवन टू अस, व्हाट इज एफ ओ, एफ इज गिवन टू अस, करेक्ट, व्हाट शुड इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, ठीक है, और आपको रियल इमेज चाहिए ऑन द स्क्रीन 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द आईपीस, यानी आपको इमेज देखना नहीं, आपको इमेज स्क्रीन पे लेना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आईपीस से, ठीक है, आईपीस से शुरुआत करते हैं। अब देखिए आईपीस पे जो आपका इमेज है वो रियल है ना, तो ये आपका फाइनल इमेज है, इसको आप लिख दीजिए वीई, और वीई की वैल्यू हो गई +30, बोलो हाँ, एफ ई की वैल्यू हो गई कितनी बोला 5 सेंटीमीटर, हो गई ना 5 सेंटीमीटर, सही है। अब आप जरा इससे यू ई निकालिए, कितना आएगा बताइए, निकालिए, नोटबुक खोलिए, अरे मैं थोड़ी बनाऊंगा, ऐसी कोई गंदी आदत मेरे को नहीं है, तुम लोग बनाओ, चलो फटाफट यू ई निकालो बेटा, यू ई की वैल्यू चाहिए मेरे को, यू ई एफ ई और वी दिया हुआ है, यू ई की वैल्यू चाहिए, लगा लिया सबने, यू ई की वैल्यू -6 आ गई। तो देखिए ये अपना यू ई है और ये है 6 सेंटीमीटर, ओके yes. अब आप पढ़िए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उससे कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 0.5 सेंटीमीटर, बताइए ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा कि रियल बनेगा। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ देखिए, गौर करिए, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए, वर्चुअल बनेगा ना, बनेगा ना वर्चुअल है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, ठीक है, पक्का। और वो जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो यही है जिसको हम यू ही कह रहे हैं, इसका मतलब जो आपका सेकंड लेंस है वो लेंस हो गया कहीं यहाँ पे, हाँ ना, इसकी फोकल लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, जबकि इसकी डिस्टेंस एफ ओ, हाँ एफ ओ, एफ ओ 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात, ठीक, और इसके फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे इसका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है इसकी 0.5 दी हुई है, 0.5 यू ओ का वैल्यू है 0.5, ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए, और यही इसका इमेज बन रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज द सेकंड इमेज, एम आई क्लियर, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस, टेल मी, ये जो यू ई तुम्हारा आया है ना, यू ई इक्वल टू 6 आया ना तुम्हारा, यू ई को यहां मत लिखो, एक सेकेंड, इस यू ई को यहां लिखना उचित रहेगा, ये तुम्हारा I1 है, समझ में आ रही है बात, अब आप मेरे को ये बताइए कि इस I1 की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी होगी, ये उसके लिए तो इमेज है ना, सो इज इट नॉट VU, सो फाइंड VU ना, फाइंड VU, यूज द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाइए, VU निकालिए, 1/VO -1/0.5 -0.5 = 1/1, व्हाट इज जीरो, टेल मी, तो इट्स -1 आई थिंक, वीओ इज -1 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी द इमेज इज वर्चुअल, एग्जैक्टली बेटा, करेक्ट, नाउ टेल मी, कैन यू सी अ डिस्टेंस ओवर हियर विच इज 6 सेंटीमीटर,
एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज सपोज टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज राइट यस सर व्हाट इज दैट डिस्टेंस इज इट नॉट 5 यस सर डन द आंसर लेंथ इज 5 सेंटीमीटर ठीक है सॉल्यूशन अपन भेज दे रहे हैं